दिन 16वां प्रातः। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। भई प्रातः साध चले आया, कर प्रणाम बैठ वह पाया। कहा नाथ हे साध सुजान, अभी मिला नहीं पूरा ज्ञान। बंधन का जो असली कारण, और होता है जिमी निवारण। वही तुझे मैं अब बतलाऊं, बात रहस्य की सब सुझाऊं। अविद्या बंधन है तू भाई, जिसकी व्यापक है प्रभुताई। अविद्या के ही कारण है बंधन में जीव। बंधन में वह किमि पड़ा, समस्या यह अजीब। नाथ का सुन कर यह उपदेश, साध कहा हे मम हृदयेश। अविद्या क्या शक्ति है नाथ, सर्वज्ञ जीव बंधा जिस हाथ। रूप उसी का जानन चाहूं, निज मन दुविधा ग्रस्त लखाऊं। कहा नाथ सुन साध सुजान, इस रहस्य को गूढ़ लो मान। अविद्या अनादि शक्ति भाई, सकल विश्व में है प्रभुताई। अह जीव की सहचरी जानो, संग सदैव लगी ही मानो। इसी में सकल विश्व का वास, विरला समझे रहस्य यह खास। इससे अछूता एक ही जान, ईश्वर जिसका है अभिधान। ईश्वर बिन सब विश्व है, लिप्त अविद्या बीच। इस ज्ञान को समझते बुद्धिमान समीच। कहा साध हे सद्गुरुदेव, सकल अविद्या का यह भेव। मेरी बुद्धि में नहीं आवे, अति सूक्ष्म यह ज्ञान लखावे। नाथ करें यह बात स्पष्ट, जिस विध मेरी भ्रांति हो नष्ट। देख साध की यह कठिनाई, कहा नाथ सुन मेरे भाई। स्थूल से सूक्ष्म मैं समझाऊं, स्पष्ट भाव निज जिम कर पाऊं। अविद्या अंधकार समझान, दोनों को ही शाश्वत मान। दोनों का स्वभाव है एक,
भ्रांत करें वे जन प्रत्येक। अंधकार में भटकत राही, भूला भटका रहे सदाही। पथ पथिक को नहीं मिलत, बिना किरण प्रकाश। जीव रहत जग भटकता, बिना अविद्या नाश। जो जन्मा इस जगत में, पड़े अविद्या कूप। उसे निकासे सदगुरु, जो योगिन के भूप। जो योगिन के भूप गुरु, करें अविद्या नाश। अविद्या के अभाव से, हो संयोग विनाश। संयोग के विनाश से, जन मुक्त हो जाए। कारण इसका जानिए, विवेक गुरु से पाए। विवेक ऐसा मिलत है, सौ फीसद जो शुद्ध। बस यह उपाय मोक्ष का, कथा पतंजल बुद्ध। सुनकर नाथ का विशद ज्ञान, कहा साध हे गुरु भगवान। प्रश्न का मैं अब उत्तर पाए, समझूं आपकी महती दाय। पर अब बात एक पूछूं नाथ, उत्तर देकर करें सनाथ। क्या यह झटपट ऐसा होए, या हो दीर्घ काल में सोए। साध की सुनकर यह जिज्ञास, लाई नाथ जी मुख पे हास। और कहा हे साध प्यारे, खुले न सबको मोक्ष द्वारे। सप्त भूमि जभी लंघ पाए, तभी विवेक उसे मिल पाए। प्रज्ञा की वे भूमिया जान, एक से एक बड़ शुद्ध पहचान। सप्त भूमि को लांघ कर, हुए प्रज्ञा सोए। इतना सुगम ना जानिए, हर एक जन जो गोए। कहा साध हे गुरु महाराज, हो स्पष्ट मुझे ज्ञान यह आज। सप्त भूमि का दीजो ज्ञान, पार करें किमि वे भगवान। इतनी दुर्गम मोक्ष की राह, गुरु बिन मिले ना उसकी थाह। कहा नाथ हे साध सुजान, भूल गए हो तुम वह ज्ञान। भूमिन का जो दीन उपदेश, क्या तुम्हें वह स्मरण नालेश।
पूर्व ज्ञान जो शिष्य भुलाए। कैसे ज्ञान वह गुरु से पाए, भई साधको बहुत ग्लानी। उस कहा फिर हे महादानी, परम अज्ञ हूँ शिष्य नकारा, मिला ज्ञान जिस भूला सारा। पुनः कहें हे नाथ जी, भूमि न का प्रसंग, भूलूंगा ना ज्ञान वह, राखूं बुद्धि संग। कही नाथ भई देर है अब, सायंकाल तुम आओ जब, यह ज्ञान फिर मुझसे पाओ, नित्य कर्म हित अब चले जाओ। सायंकाल साध चले आया, स्वामी जी ने तब कह पाया, हे साध सुन भूमिन के नाम, जिन बिन साधन हो निष्काम। प्रथम शुभेच्छा है मम भाई, दूज विचारणा थी बताई, तीसरी तनु मानसी जान, चौथी सत्वापत्ति लो मान, असंसक्ति है पंचम भाई, छठी पदार्था भावना आई, तुर्यगा सप्तम है अभिराम, सातों के तुम सिमरो नाम। सातों भूमिया लांग दिखाए, विवेकी प्रज्ञा तब जन पाए, मोक्ष लाभ तब ही भये, होए विवेकी बुद्ध, सब भूमिन को पार करो, हो अंतर जब शुद्ध। सुना साधने गुरु उपदेश, और कहा हे मम हृदयेश, सात भूमिन के सुन कर नाम, स्मरण भय है सुख के धाम। इन भूमिन को करना पार, मैं समझूं है बहु दुश्वार, ऐसा मार्ग कोई बताएं, पार होने की विधि सुझाएं। विनय साधने जब कर पाई, स्वामी जी तब बात बताई, हे साध प्रभु राम है आए, योग शिक्षा जग को दे पाए, योग कठिन को सरल बताया, वन से योग बस्तिन में लाया। राम प्रभु का यह उपकार, स्मरण रहे जब तक संसार। राम प्रभु ने जगत को कहा कठिन ना योग, सरल मार्ग है योग का,
त्यागे जन जब भोग। कहा साध हे सद्गुरो, मुझे बताएं देव, वह शिक्षा जो राम ने दीन जगत अधिदेव। कहा नाथ हे साध जी, नवीन बात ना कोई, ऋषियन का उपदेश जो राम बताया सोए। आठ अंग जो योग के अपनाए जो मीत, सप्त भूमि को पार कर हुए विवेकी चीत। आठों अंग योग के साधे, अशुद्धि ना उस चित को बाधे, ज्ञान उजाला होए मन बीच, विवेकी वह जन बने समीच। साध सुनी जब गुरु की वाणी, कहन लगा हे गुरु सन्मानी। आठ अंग जो हैं कथ पाए, उनका ज्ञान मुझे मिल पाए, मैं भी उनको ले वूं साध, कृपा करें ना होए कुछ बाध। कहा नाथ उनको लो जान, उनके नाम में करूं बखान, यम नियम अंग दो हैं भाई, आसन भी प्रसिद्ध जगताई, चौथा अंग है प्राणायाम, प्रत्याहार पंचम का नाम, धारणा छठे को कह पाए, आगे ध्यान समाधि कहाए। आठ अंग ये योग के, लो इन्हें आराध, इन अंगों को पाल कर सिद्ध भये जन साध। बोला साध हे दीनानाथ, इनके भाव बताएं साथ, किस विध हम इन्हें आराधें, और योग को कैसे साधें। नाथ कहा हे साध प्यारे, सुनो ध्यान से वचन हमारे, यम का करेंगे प्रथम बखान, उसके पांच भेद लो जान, उन पांचों को रखना याद, अगले अंग कथे हम बाद। यम के पांच हैं भेद महान, सत्य व अहिंसा दो पहचान, तीसरा अस्तेय अपनाए, चौथा ब्रह्मचर्य कथ पाए, अपरिग्रह है पांचवा यम, पालिए इनको मार के दम।
पांचों यम हैं ये कथे, महत्व इनका जान। सार्वभौम ये जान लो, ऐसे व्रत महान सभी समयों में लागू जान। देश काल का भेद न मान, मानव मात्र में इनका मान। जातियां सभी करें सम्मान, कहा साध हे सद्गुरुदेव, यम का मैंने जाना भेव। होत नियम क्या हे भगवान, उसका भी अब करें बखान। स्वामी बोले हे मम मीत, नियम भी लो पांच ही चीत। उनके नाम मैं करूं बखान, शौच संतोष दो लो जान। तप स्वाध्याय और दो मान, पंचम ईश्वर का प्रणिधान। इन पर चालें योगी भाई, जीवन में ये बहु सुखदाई। पांच नियम जो हो पालता, योगी बने पुमान। हे साधो तुम जान लो, इन बिन ना कल्याण। कल प्रात फिर आय कर, सुननी आगे बात। आठ अंग जो योग के, उन बिन योग ना तात। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।